बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ जी आपको शावीर व्लॉग के अंदर। और मैंने जहाँ से पहले वीडियो स्टॉप की थी पार्ट वन, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। दुनिया की पहली घड़ी, इससे आगे वीडियो जो है आप कंटिन्यू होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान टूरिज़म को प्रमोट करना और हिस्टोरिकल और बहुत प्यारी प्यारी जो प्लेसेस हैं पाकिस्तान की, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस जो हैं वो दुनिया के सामने लेके आना, ताकि टूरिज़म बढ़े। और टूरिज़म बढ़ेगा तो लोग आएंगे तो लोगों का जो है रोज़गार, इसमें से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। तो इसके लिए आप मेरी सपोर्ट ये कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट के अंदर जो है अपनी कीमती राय का इजहार करें, ताकि मज़ीद हम वीडियो कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें और आगे वीडियो देखें, वीडियो इन्जॉय करें। थैंक यू। जी सर, एशिया में एक हमारे पास वन स्टूपा है जिसमें तीन पीरियड एक साथ जो है वो आज दिए गए हैं। अच्छा। आप अगर यूरोप में, भाई मेरे साथ जाते रहते हैं, ऑल ऑफ यूरोप कंट्रीज सब पेटर रोमन या ग्रीक स्टाइल। हां ठीक है। उनका एक मुसीबत निशान भी हुआ है और ये जो पीरियड, ये भी ग्रीक का फोर्स करते हैं। अच्छा। ये वो पीरियड जैसे हम कहते हैं अशोका। इसमें एक परिंदा आता, हमारे जबान में कहते थे हुमा, जिसके दो सर थे। दो सर। इसे हम कहते हैं पर्शियन पर, देखिए ना ईरानी पीपल ग्रीक साकन पार्थिया। इस टाइम का नाम आता है डबल हेडिगल स्टूपा। इस परिंदे को उड़ा दिया, जिसके सर में बैठ गया उसे बादशाह बना दिया। अच्छा। शो के कैसा किंग था, सबसे पहले अपने भाई खत्म करता है हुकूमत हासिल करने के लिए। अच्छा। शो फिर जंग में एक से डेढ़ आदमी खत्म करता है, उसके बाद ये परिंदा खत्म कर देता है कि मेरे बाद दुनिया में कोई बादशाह नहीं है। और अब तक आखिरी हिंदू किंग था अशोका ही था। अशोक जब हिंदू से बुद्ध को अपना लेता है, बिल्कुल जब अशोक साहब हिंदू से बुद्ध हो जाता है, अशोक साहब को छोड़ जंगलों में चला जाता है, 50 या 60 साल गुजारता है, वापस आता है तो तीन उसके फॉलोअर मिलते हैं, महान मेनहेंडर एंड कनिष्का। अच्छा। इसे हम कहते हैं गुशान पीरियड में, जो आखिरी बुद्ध था उसने ये आग बना फर्स्ट सेंचुरी में। यहाँ पे ग्रीक लोग भी आए, साकल पीरियड पे आया और पर्शियन। सबसे पहले एलेक्जेंडर, सेकेंड नाम अशोक, थर्ड टाइम गंडोफारस। ऊपर सारे यहाँ मुजस्म मिला था बुद्ध का, जिसका नाम आता है सिद्धार्थ। टैक्सिला म्यूजियम में पड़ा हुआ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा यहाँ से मिला था। अच्छा, यहाँ से। और साथ में कुछ छोटे मुजस्मे मिले हैं यहाँ से। अच्छा। और कुछ मुझे मटके पड़े रेड जो कहते मनी बॉक्स या गल्ला डालना खुदाई के दौरान यहाँ से मिले। और ये इधर भी वही सेम पैटर्न है। सदार उसका असल नाम था। चल रहे पीछे लोगों की जो है वो दोनों तरफ घर थे। ये जो इधर मकान फैक्ट्रो ऐसा चल, यानी ये वो शहर है जो तीन दफा तबाह हुआ है। वाह, पहले ग्रीक लोग आए, फिर अशोक का पीरियड गुजरा, आखिरी पर आता गंडोफारस। अच्छा। गंडोफारस कहते हैं ईरानी या पर्शियन पर आप कहते हैं लास्ट जो है लास्ट आवर हमारे पास से पर्शियन ही कहते हैं। उसके बाद ये बात नहीं हुआ, उसके बाद ये बात शहर नहीं हुआ। फिर इसमें ब्रिटिश ने खोदा है और खोदने के बाद उसने हमें बताया है कि यहाँ बेहतरीन मज़ैब थे और यहाँ ये जो बादशाह गुजरे हैं। ये सब टेंपल था बेसिकली, हम कहते हैं बुद्धिस्ट लोगों का। अच्छा। इसके दरमियान में एक स्टूपा होता है, एक हम मोड़ मौजूद में देखे आ रही टेक्स में, मुझे लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है, फिर वो आखिर में इस तरह, तो वो थोड़ा डैमेज हो गया, छोटा सा हो गया, वो डैमेज हो गया था जो खुदाई के दौरान यहाँ से मिला था। स्टूपा सर हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट लोगों की बदगाहें होती हैं, जो बड़े बुद्धिस्ट होते हैं उनकी यहाँ पर राग आशीष दफन करना, फिर उसे करते हैं इबादत। ठीक है। तो स्टूपा ये हम बुद्ध कहते हैं, ये वही स्टोन है जो हम कहते हैं कि ओल्ड उस तौर के बनाए गए स्ट्रक्चर में, जो बेसिक अशोक के मजहब से लिमिटेड है। ये राउंड जितने पिलर हैं ये अशोक के मजहब से लिमिटेड है, अशोक मजहब से। ग्रीक लोग वो फोकस हैं, लेकिन ये जो है ये बेसिकली अशोक सम्राट के मजहब से लिमिटेड। अभी हम आखिर जो पॉइंट का नाम आता है सेंट थॉमस का चर्च देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सेंट थॉमस आखिर में आए। अच्छा, ये एशिया का वाहिद पुराना चर्च है। जी सर, उस तौर पर जो फर्स्ट चर्च जो यहाँ से था उसने इबादत की थी। आज भी हमारे पास लोग अभी जो आए हैं कुछ वो ईसाई लोग इबादत यहाँ पे, यानी क्रिश्चियन मजहब के जो लोग हैं वो यहाँ इबादत के लिए आते हैं, यानी ये दुनिया में आप कह सकते हैं सबसे पुराना चर्च ये था। दूसरा लोगों ने बनाया था, सिटी का नाम आता है गोवा। गोवा दूसरा गोवा में था। अच्छा। गोवा फर्स्ट चर्च इंडिया में, तो फर्स्ट चर्च कैथेड्रल भी है ना अभी। और अभी आप कहिए गोवा की हिस्ट्री पढ़े तो वहाँ पे 90% लोग अभी भी मस्जिद से फॉलो करने वाले हैं, 10% दूसरे लोग हैं, लेकिन 90% लोग जो है क्रिश्चियन हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा असल तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना जो इंटरनेशनल के हैं वो ईसाई, हम उनको लफ्ज मतलब नहीं पता लगता, नहीं पता लगता है तो क्रिश्चियन समझते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं मसीह। हज़रत इस्लाम के 12 हवारी थे। हाँ, 12 हवारी। 12 में जो 11 यूरोप कंट्री में थे, एशिया में एक ही आता है। एशिया में पहला चर्च, एशिया में पहला चर्च है जो सेंट थॉमस सबसे ओल्ड है, जो उसने हाथों से बनाया था।
تھامس اس کا نام تھا ہاں مقدس تھامس کہتے ہیں نا ہم سینٹ تھامس کہتے ہیں اچھا سیم تھامس بس وہ جو ابھی باندھ کے بھی بات کر رہی ہے ہم جاتے ہیں اور اب کوشش کرتے ہیں وہاں کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک دم بتاتے ہیں شوق حکومت سے باندھ یہاں خواب آتے ہیں اور خواب میں ایک محل دیکھتے ہیں صبح اپنے کرندوں سے کہتے ہیں مجھے کوئی ایسا انجینئر چاہیے جو میرا محل بنا سکے یا کمپلیٹ کر سکے تو بیسیکلی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اسے وقت یہ بار بورڈ پر لکھا ہوا ہے آئی سی 3 سال کا جتنا مرضی آپ پیسے لے لیں اور میرا محل آپ نے بنانا ہے لیکن سینٹ تھامس کو جتنا 3 سالوں میں پیسہ دیا گیا سب اتنے غریب لوگوں میں بانٹ دیا تقسیم کر دیا جب بادشاہ واپس آیا کچھ مختلف لوگوں ہندو سے پرشین غریب لوگوں سے کہ میرا محل کام پہ اس نے کہا کوئی محل نہیں بنا سب پیسے اس نے بانٹ دیے سینٹ تھامس کو قید کیا گیا صبح اس کو پھانسی دینی ہے اسی بادشاہ کو خواب آتی ہے کہ محل میرا اسمام پہ بن گیا ہے سو بتاتے ہیں بیسیکلی آگ ہی پر چھوڑ کے مسیحت کو اپنا رہتا کلواٹ ہو جاتا ہے اور سینٹ تھامس کہتے ہیں یہاں پہ ہم ہاتھ سے پتھر لگا کے چرچ بنا سکتے ہیں جو ایشیا میں فرسٹ چرچ ہے وہ یہاں بنایا گیا یہاں 40 سال جو ہے سینٹ تھامس نے عبادت کی منادی کی یہاں سے کوئی لے کوئی بات نہیں یہاں پہ سینٹ تھامس نے 40 سال منادی کی ہم کہتے ہیں عبادت کی تو اس کو پھر یہاں کر پھر اٹھایا گیا انڈیا لے جایا گیا ابھی تم دیکھ سکتے انڈیا گوا اور بیسیکلی ہم کہتے ہیں مدراس کہہ لیں اس کے درمیان میں ملتی ہے اور بیسیکلی اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک سال عبادت ہوتی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جولائی اس میں ہم کہتے ہیں 15 سے 20 ہزار جہاں لوگ کہتے ہیں کیتھولک یہ کیتھولک آپ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں کچھ ملتا ہے نہیں یہ تو الگ جانتا ہے لیکن سب سے بڑا مذہب سبوت ہے یہاں جہاں برٹش خدائی کر رہے تھے جان مارشل اسے کافی چیزیں ملی تھیں لیکن اس کے دوست کو ایک آنکھ میں کانٹا لگ گیا اگر کہتا ہے اس کی آنکھ ٹھیک ہو جیسے اس کا نام روشن کروں گا اور بتاتے جب اس کا دوست رات گیا آرام کیا ہاتھ گیا آنکھ میں کانٹا باہر آنکھ ٹھیک ہوئی تو بتاتا ہے برٹش کی آنکھ میرے ٹھیک ہو گئے اسی وقت یہاں برٹش جگہ دیکھتا ہے ٹیکسلا میں اور آنکھ ہاسپٹل بناتے ابھی آج کل بھی موجود ہے اور جتنے 10 ہزار دوائیاں چائنیز آئی سینٹر نہیں برٹش برٹش دے نہیں ہم برٹش بنایا ہے نا جان مارشل ہے نا اور آنکھ ہاسپٹل نام ہے مشن مشن ابھی ٹیکسلا بازار میں جا وہاں ملے گا اور بکرا ساری دوائیاں اس کی باہر سے آتی ہیں انگلینڈ سے امریکہ سے فنڈ آتا ہے یہ جو جالی لگی ہوئی ہے جی جی یہاں پہ ٹیکسلا کی حدود ختم ہے جیسے پر وہ اوپر ابھی وہ دیکھیں یہاں اوپر پیلس بھی ہے وہ کھودن گیا اچھا ابھی کھدائی ہونی ہے مطلب یہ پورا ابھی ڈسکور صرف 20% کرنا تھا 20% اور یہ اوپر پیلس کس کا تھا جی یہ سر اشوکا کا پیلس ہے دو محل تھے ایک یہاں پہ کہتا ہے تخت بائی تخت بائی مردان جا اچھا ہاں ہاں بالکل اشوکا محل وہاں میں ہے پاکستان میں ایک یہاں پہ باقی اشوکا کا محل جو پاکستان میں نہیں ہے نہیں ہے سر تخت بائی ہے سر شہر کی ابھی بتا دیا